हेलो एवरीबॉडी। तो ये प्रॉब्लम 2019 नीट की क्वेश्चन पेपर से ली गई है और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये यूनिट एंड डायमेंशन का जो चैप्टर है वहाँ से ये लिया गया है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और इसमें भी अगर कोई गलत करते हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ये गलत क्वेश्चन करने वाला नहीं है क्योंकि सबसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला एक क्वेश्चन नहीं है। अगर हम इसमें देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा तो क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में हमें पढ़ना है, और क्योंकि छोटी सी ही गलती से ये क्वेश्चन गलत भी हो जाता है अगर हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर, तो डायमें स्ट्रेस पूछा है, हिंदी में भी समझ सकते हैं, स्ट्रेस को हिंदी में प्रतिबल कहते हैं, बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो यहाँ से जो स्ट्रेस है उसकी यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगी वो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। और चलिए देखते हैं, तो यह जो ये है स्ट्रेस है इसकी क्या यहाँ पर यूनिट होगी उसको हम देखते हैं। तो पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें, जो प्रतिबल है, जो दाब का फॉर्मूला होता है, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वही इसके लिए भी होता है। यानी कि जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस एक तरीके से जो उसका फॉर्मूला यहाँ पर होगा, तो जैसे कि हमने ये स्ट्रेस कहाँ पर सबसे ज्यादा पढ़ा है, ये सबसे ज्यादा हमने पढ़ा है जो हमारा मॉडुलस, इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस है, हमारे यंग्स मॉडुलस है या इस तरह के, तो वहां पर हमने पढ़ा था स्ट्रेस। तो स्ट्रेस एक तरह से क्या होता है, दिस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, ये इसका एक फॉर्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हमें स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है तो हम उसकी डाइमेंशंस ये जो है आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, यूनिट अगर हमें पता है तो भी हम आराम से कर सकते हैं। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और यहाँ पर एरिया इसकी मीटर स्क्वायर यूनिट होगी, तो डायमेंशन फॉर्मूला भी हमें आसानी से निकालना चाहिए। चलिए अगर हमें फोर्स की भी डायमेंशंस डायरेक्ट नहीं पता है, वैसे तो डायरेक्ट पता होनी चाहिए क्योंकि फोर्स की तो बड़ा सिंपल है, MLT माइनस टू होती है, तो यहाँ पर फिर भी इसको थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि फोर्स न्यूटन के लॉ से क्या है कि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एसेलरेशन एफिकल टू एम ए होता है और अपॉन ए। तो यहाँ से भी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जा सकता है। अब यहाँ से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, मास का, जो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है वो कैपिटल एम हम इसको लिखते हैं, और जो एसेलरेशन है, एसेलरेशन क्या होता है, ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसका LT माइनस टू, तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन होंगी यहाँ पर LT माइनस टू, तो ये इसकी यहाँ पर डायमेंशन हुई। अब नीचे एरिया है, एरिया की डायमेंशन क्या होगी, एल टू। तो जब हम इसको हल करेंगे और यहाँ से इसको देखेंगे तो हमारा आंसर इसमें क्या आना चाहिए, तो ये होगा जो इसका हम हल करके देखें तो यहाँ पर एम आएगा और एम की यहाँ पर वन डायमेंशन है, और एल की यहाँ पर कितना होगा, नीचे एल टू है ऊपर एल है, तो एल माइनस वन यहाँ पर इसकी डायमेंशन होगी, और टी टी में कितना जा रहा है, माइनस टू, और टी में यहाँ पर माइनस टू जा रहा है, और ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो जाता है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है स्ट्रेस का, प्रतिबल का। अब इसमें कौन सा आंसर सही है, इस हिसाब से तो यहाँ पर ये फोर्थ आंसर इसका यहाँ पर सही जा रहा है। तो बड़ा थोड़ा सा इफर्ट करने से ये क्वेश्चन आराम से हल हो जाता है। तो आई होप सब लोगों को ये समझ में आया होगा और सब लोगों ने इंजॉय भी किया होगा। अभी 2021 वाला भी नीट का एग्जाम हो चुका है, उसकी भी प्रॉब्लम्स में सारी डिस्कस करूंगा जो अगली वीडियो में, कुछ मैं सोच रहा हूँ अगर मेरे पास अभी पेपर आ जाएगा तो मैं वे क्वेश्चंस भी वहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मुझे ये प्रॉब्लम डिस्कस करनी थी, तो कल फिर एक नई वीडियो नई प्रॉब्लम के साथ हम लोग मिलेंगे। तो आज हम इतना रखते हैं, थैंक यू।